अभी क्यों भी? अच्छा जी, फॉर्मेटिंग तो हमने कर ली टेक्स्ट की, ये तो जब हम प्रैक्टिकल करने आएंगे तो फिर हमें और बाकी वो चीज़ें जो अभी की थी वो समझ आएगा। अब तक फिलहाल आप याद करने की कोशिश करें इसको। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा हम इनमें इसमें करेंगे एनिमेशन, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा। ये जो कोड है HTML का, मार्क्यू टैग जो है, इसको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, आप इसको समझ लें है क्या ये। अच्छा, दी HTML मार्क्यू टैग डिफाइंस अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट एरिया इन दी HTML डॉक्यूमेंट दैट मूव्स अक्रॉस द पेज इन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, टेक्स्ट फाउंड विद इन दी मार्क्यू टैग विल स्क्रोल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दी मार्क्यू टैग हैज़ बीन डिप्रिकेटेड इन HTML5 एंड शुड नो लॉन्गर बी यूज। अच्छा, मार्क्यू कोड 5 से पहले ज़्यादा यूज़ करते थे वेब डिज़ाइनिंग के, वेब पेजेस के अंदर। 5 के अंदर इसको रिमूव कर, डिप्रिकेटेड का मतलब रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, कंसिडर नहीं करते, लेकिन करना जो चाहता है वो कर सकता है। बहरहाल जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने इसको हटा दिया एक तरह से। ये क्या होता है जी, ये एक इस टैग को लगाने से किसी वर्ड टेक्स्ट के साथ या इमेज के साथ, दोनों के साथ। यहाँ पे मैंने इमेज डालना भूल गया, वर्बली आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट या इमेज के साथ इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा उस टेक्स्ट के साथ या उस इमेज के साथ, वो उसको उस टेक्स्ट को या इमेज को आपके वेब पेज पे स्क्रोल करेगा, मतलब उसको घुमाएगा लेफ्ट टू राइट, वो आपके ऊपर है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, टॉप टू बॉटम, जो भी है। ये इसके एट्रीब्यूट्स मैंने सारे लिख दिए हैं, मतलब दो चीज़ों पे काम करेगा, टेक्स्ट पे आपके और इमेज पे। उसको आपके पेज के ऊपर वो एनिमेशन देगा, स्क्रॉल देगा। अब उसमें क्या है, उसमें आप उसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, ठीक है, वो आप सिंपल नंबर्स में और परसेंटेज में। इसी तरह उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये भाई आप लेफ्ट से राइट उसको स्क्रॉल करना चाहते हो, उस टेक्स्ट को या इमेज को, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये हो गया उसके डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद है स्क्रॉल डिले। डिले मतलब आप उसकी स्क्रॉल को कितने देर बाद शुरू करना चाहते हो, उसकी स्पीडिंग कंट्रोल कर सकते हो। एक और भी इसका है स्पीडिंग का, ये लूप वाला, सॉरी, ये इसके नंबर्स ऑफ लूप है, मतलब कितनी मरतबा उसको उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, डिले। दूसरा स्क्रॉल अमाउंट, ये कितने तक करना चाहते हो इसको, इसकी कोड आगे मैंने लिखी हो, मज़ीद और डिटेल में आपको बता दूंगा। ये एट्रीब्यूट सिर्फ समझ लो। लूप है उसका, लूप क्या होता है, लूप कहते हैं मतलब एक चक्कर को, जो वर्ड वर्ड को कहते हैं चक्कर, उस लूप का वर्ड जो है उसको कहते हैं चक्कर। आप कितने चक्कर उसको आप स्क्रोल करना चाहते हो, कितनी मरतबा उसको आप उस पेज में घुमाना चाहते हो, एक मरतबा, दो मरतबा, उसके बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा। अगर आप लूप का ये जो एट्रीब्यूट है उस टैग के अंदर यूज़ ना करोगे, वो चलता रहेगा, जब तक आपका पेज ओपन है तब तक वो स्क्रॉल होता रहेगा। आप चाहते हो कि जी 4 5 मरतबा मेरा इमेज या मेरा टेक्स्ट वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम स्क्रॉल हो 5 मरतबा, उसके बाद रुक जाए, तो आपको ये एट्रीब्यूट, ये टैग उसका एलिमेंट मतलब यूज़ करना पड़ेगा मार्किंग के अंदर। इसी तरह उस आपका जो मार्किंग चल रहा है टेक्स्ट का या इमेज का, लेफ्ट टू राइट बॉटम जिस डायरेक्शन में, उसके बैकग्राउंड में आप कलर देना चाहते हो, उस टैग के साथ आप ये एलिमेंट बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे कलर देने के लिए। इसी तरह अगर उस मार्क्यू के टैग के अंदर आप चाहते हो वर्टिकल स्पेसिंग, वी स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस और ये एच स्पेस, ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये एक किस्म का एनिमेशन है जो हम पुराने वेब पेजेस में शायद आपने कभी देखा, अभी आजकल तो वेब पेजेस में कम ही नज़र आता है मेरे ख्याल से, स्क्रोलिंग टेक्स्ट। और पहले HTML5 से पहले वेबसाइट्स हम देखते थे, वहाँ पे होते थे, अभी भी शायद आपको कुछ वेबसाइट्स पे नज़र आए। बहरहाल ये कोड यूज़ करने पे हम वो काम कर सकते हैं वेब पेजेस के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, तो ये उस मार्क्यू कोड का हमारे पास पूरे टैग है। मैंने यहाँ पे वो चीज़ें यूज़ नहीं की, वो कंपलसरी है आपको लगाना है हर मरतबा, HTML बॉडी हेड टाइटल वगैरह वगैरह, वो तो हर पेज के लिए आपको यूज़ करना है, फिक्स है वो, ठीक है, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ सिंपल बीच का कोड लिया हुआ है। अच्छा, हमने एक एडिंग दे दी यहाँ पे जी, एजुक्राफ्टर्स अकेडमी हब, ठीक है, उसके अंदर मैंने अपने एजुकेटर अकेडमी का जो स्लोगन है वो डाल दिया। मैं चाहता हूँ हेडिंग आए मेरे पेज की, ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम आए, नीचे वो स्लोगन हमारा स्क्रॉल होता रहे। इसमें मैंने सारे वो जो एट्रीब्यूट्स मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, वो मैंने सारे यूज़ कर दिए, ठीक
ठीक है, इसमें क्या होगा, मैंने इसको रेड इसलिए किया, ये मेन टैग है हमारा, बाकी आगे उसके बिहेवियर और एलिमेंट्स कह सकते हो आप वो आ रहे हैं। अच्छा मार्क्यू बिहेवियर इसका क्या है जी, इसको स्क्रोल करना है, ठीक है, स्क्रोल करना है। स्क्रोल क्या है, इसका एक अपने स्पीड सेट कर दिया जी 20, ठीक है, कि नॉर्मल स्पीड में चल रहा होगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ये 20 का स्पीड एक नॉर्मल स्पीड है। स्क्रोल अमाउंट इसकी स्पीड, आप स्क्रोल अमाउंट को स्पीड भी कंसिडर कर सकते हो, 20 रख दिया। डायरेक्शन मैंने इसको कह दिया राइट, ये राइट से शुरू होगा, आपके वेब पेज के राइट से शुरू होगा, ठीक है, 20 की स्पीड में ये आपका स्लोगन राइट से शुरू होगा। और उसकी विड्थ मैंने 100% रख दी है, हाइट उसकी 100 पिक्सल्स पे सेट किया है। अच्छा बैकग्राउंड कलर उसका मैंने पूरे, उसका जो स्क्रोल हो रहा है उसका पूरा बैकग्राउंड लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी है, उस पूरे की जो है ना वो क्या हुई, येलो होगी। लूप क्या है, 5 मैंने सेट कर दी, ये 5 मरतबा मेरे पेज पे ही लेफ्ट टू राइट आएगा आएगा आएगा, 5 मरतबा, 6ठी मरतबा वो रुक जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड कलर हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह मैंने वर्टिकल स्पेस भी दे दिया उसको, वर्टिकल पूरा वर्टिकल स्पेस मुरत वो जो हमारा पूरा पेज है ना वेब पेज, उसके 50% से या 50 स्पेस के बाद से वो आपका वो आ रहा होगा मार्किंग जो है आपने दिया हुआ जो टेक्स्ट, ठीक है, 100 करेंगे और नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में इसी तरह है, अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो आपका पेज के सेंटर से वो चलना शुरू होगा, शुरू से बिल्कुल पेज के, यहाँ शुरू से नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा वहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, और बड़ा और कम करूँगा या बढ़ाऊँगा तो इसी तरह उस पेज के उस हिसाब से शुरू होगा जहाँ जितना आपने नंबर उसको सेट किया होगा, ठीक है। और किसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ मैंने क्लोज कर दिया इसको, बता दे भी मर्क्यू चलाना है, उसमें ये चीज़ें ये बिहेवियर सेट करो, और ये किसके ऊपर होगा, इस हमारे लाइन के ऊपर होगा, और यहाँ मैंने मर्क्यू को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अभी ये भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हिस्सा था, लेकिन इसमें एनिमेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है।